नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कार्य शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान में अंतर है और इनकी विधियां भी अलग अलग हैं। ज्योतिष और धर्म में श्राद्ध को लेकर कहा गया है, पितरों के लिए श्राद्ध से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं, जबकि तर्पण में पितरों, देवताओं, ऋषियों को तिल मिश्रित जल अर्पित करके तृप्त किया जाता है। वहीं पिंडदान को मोक्ष प्राप्ति के लिए सहज और सरल मार्ग माना गया है, इसलिए पिंडदान और तर्पण के लिए बिहार स्थित गया जी को सर्वश्रेष्ठ जगह बताया गया है। हालांकि अब देश के कई पवित्र स्थलों पर पिंडदान तर्पण कार्य किया जाने लगा है। आज के इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान में अंतर बताएंगे। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं दाएं कंधे पर जनेऊ धारण करके और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके की जाती हैं। तर्पण के लिए काले तिल मिश्रित जल को पितरों का ध्यान करते हुए अर्पित किया जाता है। वहीं श्राद्ध में पितरों को भोजन अर्पित करते हुए पंचबलि निकाली जाती है, यानी कि गाय, कुत्ते, कौए, देवताओं और चींटी के लिए भोजन निकाला जाता है। इस तरह भोजन और जल देने से पितरों की क्षुधा शांत होती है। आपको बता दें, श्राद्ध का भोजन दूध, चावल, शक्कर और घी से बने पदार्थ का होता है। कुश के आसन पर बैठकर पंचबलि के लिए भोजन रखें। इसके बाद पितरों का स्मरण करते हुए मंत्र जाप करें। इतना करना भी संभव ना हो पाए तो जलपात्र में काला तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तर्पण करें और ब्राह्मण को फल और मिठाई दक्षिणा देकर खिला दें। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल बोल्ड स्काई सब्सक्राइब करें।